पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देश भर में कोरोना के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 16 मार्च को दिल्ली में लगभग 425 केस थे और आज कल की रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में अभी जारी होने वाली है, उसमें आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 3,583 केसेस हैं, 3,583 केसेस हैं। एक तरह से दिल्ली, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि दिल्ली ने सबसे ज़्यादा मुश्किल कोरोना की स्थिति को एनकाउंटर किया है। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा, बहुत तेज़ी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेज़ी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सरकार में इस स्थिति के ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं और जो भी उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वो सभी कदम हम लोग उठा रहे हैं। इसको पूरा जो डेटा हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से ये केसेस तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं। कम सीरियस मतलब कि एक तो मौतें काफ़ी कम हो रही हैं और दूसरा लोगों को अस्पताल में और लोगों को आईसीयू में जो भर्ती होते हैं वो काफ़ी पिछले उसके मुकाबले काफ़ी कम हैं। हम ये देख रहे थे कि अक्टूबर के महीने में जब लगभग इतने ही केस, 3-4 हज़ार केसेस डेली आ रहे थे, उस वक्त आईसीयू में लगभग 1700 के करीब पेशेंट्स थे और आज लगभग 800 के करीब, 50% के करीब पेशेंट्स हैं। उन दिनों में जब डेली 3-4 हज़ार केसेस आ रहे थे, 40 के करीब मौत डेली हो रही थी, आज 10-12 के करीब मौत डेली हो रही है। तो अभी ये वाली जो वेव आई है ये पिछली वाली वेव के मुकाबले में कम सीरियस है कि लोगों को कम अस्पताल जाना पड़ रहा है, होम आइसोलेशन में लोगों का इलाज अच्छे से हो रहा है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है, हम स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। भविष्य में अगर ज़रूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय नहीं, ऐसे सरकार का विचार नहीं है। लेकिन आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की ज़रूरत है ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं के ऊपर आज हम लोगों ने विचार किया है और इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया है कि कैसे कैसे किन किन स्टेजेस के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब सरकारी अस्पतालों के अंदर कितने कितने बढ़ाए जाएंगे, उसकी हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट पूरा सिस्टम जो है, कोरोना में अगर आने वाले समय में केसेस इसी तेज़ी के साथ बढ़ते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज पूरी प्लानिंग की है। मुझे लगता है कि हमारे सामने मोटे मोटे तौर पे तीन काम हैं। एक, इसको फैलने से किस तरह से रोका जाए, जिसमें हम हमेशा कहते हैं टेस्ट, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन, उसको बहुत एग्रेसिवली अब किया जा रहा है और जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन्स बनाने की ज़रूरत है वहाँ कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे और इसको फैलने से रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें सरकार का रोल तो शायद बहुत कम है, सबसे बड़ा रोल जनता का है, सबसे बड़ा रोल आपका है।
हम दिल्ली वालों ने पिछले तीन पीक्स को कितनी खूबसूरती के साथ टैकल किया और हम कामयाब हुए। मैं आज आपसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि फिर से वापस मास्क पहनना चालू कर दीजिए। इसको मास्क को यही एक चीज़ है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथ लगातार धोना, ये अगर हम करेंगे तो इसको फैलने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, अगर हम बीमार हो जाएं तो हमारे लिए उचित हॉस्पिटल में जगह होनी चाहिए, हमारे अच्छा इलाज होना चाहिए, उसके ऊपर सरकार उचित कदम उठा रही है। और तीसरा है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन किया जाएगा उतना ज़्यादा इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की उम्र वालों के वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी है। कल हम लोगों ने 71,000, दिल्ली में 71,000, हमारी कैपेसिटी अब 96,000 की हो गई है, 71,000 वैक्सीनेशन किए। हमें दो दिक्कतें आ रही हैं, एक तो ये कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन की है कि जहां भी वैक्सीनेशन होगा वो केवल और केवल अस्पताल या हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर हो सकता है। उसमें शुरू में ये डर था कि अगर वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गए, कोई रिएक्शन हो गया, तो वहाँ पे तुरंत कोई फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि उसका इलाज किया जा सके। लेकिन अब तो 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए लगभग वैक्सीनेशन करते हुए। कल बता रहे हैं 71,000 हमने वैक्सीनेशन किए, जिसमें 4 लोगों को थोड़ा बहुत वो हुआ रिएक्शन वगैरह और वो ठीक हो गए, घंटे 2 घंटे के अंदर वो लोग ठीक हो गए। तो अब ये तो सामने आ गया कि ये सेफ़ है। तो अगर ये सेफ़ है तो केंद्र सरकार अगर हमें मास लेवल पे वैक्सीनेशन करना अलाउ करे तो हम कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूलों के अंदर, मतलब कई सौ हज़ारों हम फैसिलिटीज़ क्रिएट करके इसको युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं। और अगर युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई तो मुझे लगता है कि कोरोना को कंट्रोल करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। उसकी हम पूरी, इसके बारे में उचित व्यवस्था की जा सकती है कि जहाँ जहाँ करेंगे हम एम्बुलेंस का इंतजाम कर दें, तुरंत कोई फर्स्ट एड का इंतजाम कर दें उनको, अगर किसी को बाई चांस कोई रिएक्शन वगैरह होता है तो उसको देखभाल करने का इंतजाम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम नॉन हेल्थ फैसिलिटीज़ में अलाउ नहीं करेंगे तो इसकी एक सीमा है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जा पाएंगे। और दूसरा ये कि अब ये उम्र 45 साल की उम्र वाला क्लॉज हटा के और सारी जनता को एक साथ वैक्सीनेट, युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन करने का कार्य कर देना चाहिए ताकि हमें सबको इससे निजात मिल सके, कोरोना से निजात मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार इसको पूरे गौर करेगी और युद्ध स्तर के ऊपर राज्य सरकारों को अपने स्तर पे वैक्सीनेशन करने की इजाज़त देगी। और अंत में मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता ने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं और ये चौथी वेव भी हम लोग ज़रूर इस पे काबू पाए पाएंगे। लेकिन आपसे फिर से अपील है कि मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और अपने हाथों को लगातार साबुन से या सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहिए।